मुद्दा राजनीतिक हो, सामाजिक हो या हो आर्थिक, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनमुद्दों की हो या हो कानून की, अब बातें हो। मैं अनिल सिंह, यूडी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बलिया से रामगढ़ गंगापुर डगरा पर आए हुए हैं, जहां सपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल जी, पूर्व विधायक सुभाष यादव जी और जिला अध्यक्ष राज मंगल यादव जी और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडे जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। जो लोग बाढ़ कटान निरोधन कार्य का निरीक्षण करने आए हुए हैं, इन नेताओं का यह कहना है कि इन बोरियों में 10 केजी माटी भरा हुआ है, क्या इन माटियों से कटान रोधी कार्य करके 12 करोड़ के प्रोजेक्ट से एनएच को बता, अगर इन माटियों से ही 12 करोड़ प्रोजेक्ट बचाना था, एनएच को बचाना था तो 12 करोड़ का टेंडर देने की क्या जरूरत थी। इन नेताओं का यह भी कहना है कि यह 6 महीने का बीत गए, जब फरवरी और मार्च से यह काम शुरू हुए और आज अगस्त 13 अगस्त बीत चुके हैं और अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो जो काम 6 महीने में नहीं हुआ क्या वह 6 वर्षों में बचाव रोधी कार्य पूरा होगा। इस तरह यह सरकार और ठेकेदार मिलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा के लोग बातें ज़्यादा काम कम करते हैं। ईडी न्यूज चैनल से अनिल सिंह, बलिया, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग 26900 जो अप्रोच बना हुआ है विधानसभा क्षेत्र बैरिया के अंतर्गत, हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं। आज पूरा का पूरा दबाव NH 31 पे है और जिस तरह से शासन प्रशासन के लोग लूट का नंगा नाच कर रहे हैं, आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। सब बोरियों में कीचड़ भर भर करके और बाढ़ राहत कार्य किए जा रहे हैं। बीच में बनाया जा रहा है, इन ठोकरों की स्थिति ये है कि आधे अधूरे काम करके क्षेत्रीय विधायक और सारे के सारे सरकारी अमला मिल करके इस धन को लूटने का काम किए हैं। आज उन सबों की लूट के कारण ये स्थिति आई है कि कब ये बंदा टूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इस इलाके के 50,000 जनता आज भय कर